हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, किचन और घर के काम तो हम अक्सर करते हैं, पर इन्हीं कामों को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ किए जाए ना तो हम अपने लिए कुछ क्वालिटी टाइम भी बचा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ अमेजिंग से किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, जो पहली टिप है ना, वो इस तरह के धनिया की चटनी को लेकर के है कि कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी जो चटनी होती है ना, वो ग्रीन नहीं रहती, वो काली पड़ जाती है। तो इसके लिए हमें ले लेना है एक बंच के आसपास धनिया, और धनिया के जो ये डंठल है ना, इसको ज़रूर डालिएगा। और साथ में 3 से 4 हमने कली लहसुन की ले ली है, और साथ ही हमने मिर्च ले ली है, ये 7 से 8 मिर्च है। ये कम तीखी है तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है। उसके बाद आप इसमें डाल देंगे तकरीबन आधा नींबू का रस। नींबू का रस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको ग्रीन रखने के लिए। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आइस क्यूब। जी हाँ, ये आइस क्यूब कुछ क्यूब डाल दीजिएगा आप, जितना आपको ज़रूरत हो। उसके बाद से आप इसको पीस लीजिएगा। और हमने, याद रखिए, हमने नमक नहीं डाला है इसमें। तो देख लीजिए हमारी चटनी बनकर के तैयार है, कितनी ज़्यादा ग्रीन है। और जब कभी भी आपको इस्तेमाल करना होगा ना, तब आप इसमें नमक डालिएगा और इसको इंजॉय करिएगा। ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। तो आज के बाद से कभी भी आप चटनी बनाइएगा ना, तो इस टिप का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। टिप अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगली जो टिप है ना, इस तरह के हमारे किचन काउंटर को लेकर के है कि कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही रोटी बना देते हैं तो बहुत ज़्यादा आटा उड़ जाता है, जिसके वजह से हमें सफाई डबल ट्रिपल करनी पड़ती है और हर बार करनी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है ना, कि अपने किचन काउंटर पे एक न्यूज़पेपर ज़रूर बिछा लीजिएगा जब आप रोटी बना रहे होंगे। इससे होगा क्या कि जो रोटी बनाते वक्त जो आटा उड़ेगा ना, वो इसी न्यूज़पेपर पे ही रहेगा, और आपका जो काम है ना, वो बहुत हद तक आसान हो जाएगा। जैसे कि सुबह सुबह होती है कि बहुत जल्दबाजी होती है, हस्बैंड को टिफिन देनी होती है, बच्चों को देनी होती है, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है। इसके वजह से हमें क्या करना है कि ये वाला टिप ज़रूर फॉलो करना है। तो देख लीजिए हमने रोटी बनाया और बिल्कुल इतना जल्दी बन जाता है, और आपका जो क्लीनिंग का काम है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगली बार जब भी आप रोटी बनाइएगा ना, तो इस वाली टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। आप एक बार फॉलो करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देख लीजिए, हमें इसमें बिल्कुल क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। न्यूज़पेपर को हमने झाड़ा, फोल्ड किया, और गीले कपड़े से आप काउंटर टॉप को पोंछ लीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। और आइए अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप ना, ये दही, सूजी और पानी है, और इसमें थोड़ा सा प्याज काट करके डाला है हमने, थोड़ी सी हरी मिर्च है। ये है अप्पे बनाने का बैटर, जो कि बहुत ही झटपट बन जाता है। जैसे आपके बच्चों को टिफ़िन देना हो तो आप इसको बिल्कुल दे सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और अभी इसमें हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा तकरीबन 2 से 3 पिंच के आसपास। ये इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन ब्रेकफास्ट होता है आपके बच्चों के लिए, कि क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, और सबसे अच्छी बात कि ये ना बहुत देर तक बच्चों को फुलफिल रखती है, बच्चों को भूख नहीं लगती, जिससे उनका पढ़ाई में मन लगता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी आपको कि अगर आपके पास ब्रश नहीं है ना तेल लगाने का, तो आप सिंपल सा कॉटन लीजिए, उसको तेल में डिप करिए और अपने अप्पे पैन को ग्रीस कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जो अप्पे पैन होता है ना, ये होता है नॉनस्टिक का, तो इसमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, और इस अप्पे में तेल ज़्यादा पड़ता भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो देख लीजिए, हमने इसको ग्रीस किया और इसमें डाला अच्छे से हमने, उसके बाद से इसको कवर कर देंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक, बहुत झटपट बन जाता है। देख लीजिए, हमने लिड को हटाया और इसको पलट लिया, उसके बाद हमारा जो अप्पे है बनके तैयार है। बच्चों को दीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। अगली टिप ना, इस तरह के चाय को लेकर के है। चूंकि हम इसे चाय नहीं बोलेंगे, क्योंकि आजकल जो मौसम चल रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह हो रही है, जिससे बहुत ज़्यादा फेफड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब दर्द होने लगता है खांस खांस करके। तो आप एलोपैथिक दवाई बिल्कुल मत करिए, आप ये वाला टिप ज़रूर फॉलो करिए, आपको काफ़ी हद तक इस खांसी में आराम मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना है कि 1 लीटर के, यानी कि आप 1 लीटर नहीं तो 1 गिलास के आसपास पानी ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए सौंठ का पाउडर। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे अदरक भी डाल सकते हैं, अदरक को अच्छे से घिस लीजिए और इसको डाल दीजिए। पानी 1 गिलास से जल करके 1/2 गिलास हो जाना चाहिए। इसको बाद आप इसको छानिए और इसको दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, आपकी खांसी बहुत हद तक आराम हो जाएगा और ठीक हो जाएगी। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा, कहाँ से आप देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा, जिससे
हमें मोटिवेशन मिल सके। वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ये सब सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करिए। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।